कांग्रेस की वजह से जो इज्जत मिली थी उसको डीके अरुणा ने चिकना चूर कर दिया। ना सिर्फ वो खुद डूबी बल्कि कांग्रेस को भी ले डूबी। जब ज़िले में उनसे नुमाइंदगी की गई कि यौम तालीम के मौके पर अवार्ड्स देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, ज़रूरत नहीं है एक कागज़ का टुकड़ा देने के लिए क्यों देना चाहिए, कहा उन्होंने। अवार्ड के लिए तो कौन है, रकम क्या दे सकते थे। लेकिन इस वक्त के कलेक्टर भी गवाह है और वो ख़ुद भी गवाह है। ये कि मुझे देने के लिए या किसी और को देने के लिए नहीं कहा, मैंने कौम के लिए कहा था यौम तालीम बाज़ाब्ता अच्छी तरीके से मनाएं और अच्छी तरीके से अवार्ड्स भी दिए ताकि तालीम में लोग आगे बढ़े। लेकिन वो नशे में, इख्तदार के नशे में इतनी धुत थी कि वो क्यों देना कही आवाम को, इसकी ज़रूरत नहीं है। और आज वोट किस से एससी को देना कहा, मैंने एससी को देने का कहा, एसटी को देने का कहा, बीसी को देने के लिए कहा, उसके बाद अगर दे सकते हैं तो माइनॉरिटी को भी देने कहा। और एक चाहे तालीमी मैदान में हो या सहाफती मैदान में, लेकिन अरुणा डीके अरुणा ने क्यों देना कहा आप इस वक्त के कलेक्टर से पूछ सकते हैं। तो आप लिहाजा उनकी ज़हनियत और सब कुछ जानते हैं और इसी वो सिर्फ कांग्रेस में रहने की वजह से मकबूल थी और गुस्ता वोट लाई थी और अब बीजेपी में दाखिल हो चुकी है, अब उसको ज़रूरत नहीं है। पूछिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो इस वक्त के कलेक्टर से पूछिए और क्यों देना है कहिए। और डायरेक्ट क्यों देना है कहा था उसने, क्यों उन्हें देना कहा था। अब MP के लिए आए थे, उन्हें पहले ये सवाल करें कि आपको सामने ये बात आई थी या नहीं आई थी। अवार्ड देना और उन हिम्मत अफजाई करना लोगों के लिए SC ST BC, उसके बाद माइनॉरिटी भी हो सके तो करना चाहिए, सबकी हौसला अफजाई करना चाहिए, हिम्मत अफजाई करना। लेकिन उसने ठुकरा दिया था, लिहाजा अब ज़रूरी है कि अब वो वोटों के लिए आए तो उनसे ये सवाल करना ज़रूरी है। सरजमीन हिंद की जय।